आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि फास्टिंग जो व्रत रखते हैं उसके फायदे क्या हैं। देखिए सबसे पहले हमें समझना है कि फास्टिंग रखते क्यों हैं, हम फास्ट कर रखते क्यों हैं। देखिए आप जानवर को देखते होंगे कि कोई अगर आपके घर में कोई डॉगी है, अगर वो बीमार हो जाता है तो वो खाना खाना छोड़ देता है। क्यों नहीं, आपने कभी सोचा कोई भी जानवर है वो अगर बीमार होता है तो खाना खाना छोड़ देता है। उसके सामने आप कितना ही अच्छा खाना रख दो, कितनी अच्छी आप चुपड़ी हुई रोटी रख दो, घी वाली रोटी रख दो, खाना नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि उसको जानता है, उसको पता है कि अगर मेरी तबियत खराब है, मेरे पास कोई दवाई नहीं है, मेरा कोई डॉक्टर नहीं है, तो उसको पता है कि उसको इलाज कैसे करना है। वो क्या करता है, अपने शरीर के जितने जो उसके टॉक्सिन्स वो रहते हैं उनको बाहर करता है, यानी अपने शरीर को खाली करता है। दो या तीन दिन तक वो खाना नहीं खाएगा तो उसके शरीर में क्या होगा कि कोई बाहर से खाना नहीं, उसकी जो मशीन है जो काम करेंगे पाचन करने वाली क्षमता जो है वो उसकी स्ट्रांग हो जाएगी, और दो या तीन बार जब वो खाना खाएगा तो उसके बाद वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तो इसलिए फास्ट रखिए, आप अपने शरीर को आराम दीजिए, अपनी आत्मा को आराम दीजिए, और इससे क्या होगा कि आपको अपने नई जीवन मिलेगा। यानी अगर आप खाना खाते हैं तो अच्छे से पचेगा, आपके शरीर को रेस्ट मिलेगा, तो आपके शरीर के रिपेयर हम कह सकते हैं रिफ्रेश हो जाएगी, या फिर रिपेयर हो जाएगी या रिबूस्ट हो जाएगी, है ना। उससे क्या होगा कि आप जो भी खाएंगे उसके बाद तो अच्छा खासा पचेगा और बीमार नहीं होंगे। तो जब भी आज से आप बीमार हो जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, खाना खाना छोड़ देना है। एक या दो दिन खाना भी खाएंगे तो आप क्या खाएंगे, पतला ऐसा भोजन जो शरीर को पचाने में इजी हो।